अटल प्रोग्रेस वे किसान संघर्ष समिति ने अटल प्रोग्रेस वे के अंतर्गत अधिग्रहित की जा रही भूमि पर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार बाजार मूल्य से 4 गुना मुआवजा देने को लेकर कलेक्टर पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एसडीएम मनोज गढ़वाल को एक ज्ञापन सौंपा, जहां ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि अटल प्रोग्रेस वे राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के अंतर्गत श्योपुर जिले के जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है, वर्तमान में शासन द्वारा अटल प्रोग्रेस वे राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है, उन सभी को शासन द्वारा बताया जा रहा है आपकी रूट एम्प्लॉयमेंट के बाद भूमि के बदले डीएलसी रेट के अनुसार 2 गुना मुआवजा राशि दी जाएगी, जिस पर किसान सहमत नहीं है। किसानों का कहना है कि हमें भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के नियमानुसार बाजार मूल्य से 4 गुना मुआवजा एवं जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण की जानी है उस किसान परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए, अन्यथा संघर्ष समिति द्वारा विवश होकर किसानों के साथ शासन के इस किसान विरोधी प्रोजेक्ट को निरस्त करवाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को विवश होना पड़ेगा। वहीं निवेदन किया गया कि अटल प्रोग्रेस वे राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के अंतर्गत जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है उन किसानों की जायज मांगे को अतिशीघ्र पूरा कर आदेश जारी करने की कृपा करें। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। अटल प्रोग्रेस वे के नाम से सरकार भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत मुरैना से लेकर या श्योपुर तक एक निकालना एक्सप्रेसवे बनाना चाहती है, परंतु ये एक्सप्रेसवे श्योपुर के किसानों के लिए विकास का कारण साबित नहीं होके एक प्रकार से विनाश का कारण साबित हो रहा है, क्योंकि जो किसानों की मुआवजे की मांग है उसको सरकार दरकिनार करते हुए उनको बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि श्योपुर के किसानों की बेशकीमती जमीन है। अन्य स्टेटों में भी भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1 एकड़ का 1 करोड़ तक का मुआवजा दिया गया है हरियाणा स्टेट में, लेकिन यहाँ पर किसानों को डीएलसी रेट के अनुसार 2 गुना मुआवजा दिया जा रहा है, कि जो कि बहुत कम है। ऐसी स्थिति में किसान विरोध कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट का, किसान मांग कर रहे हैं जमीन के बदले किसानों को जो बाजार रेट है किसानों की जमीन की, यहाँ के किसानों की, उसका 4 गुना नगद मुआवजा दिया जाए, अन्यथा इस प्रोजेक्ट को यहाँ का श्योपुर का किसान निकलने नहीं देगा। इस प्रोजेक्ट को रद्द करवाने के भी किसान मांग करेगा। अभी 4 गुना मुआवजे की हम मांग कर रहे हैं, सरकार इस मांग को गंभीरता से नहीं लेती है तो आने वाले समय में क्षेत्र में व्यापक आंदोलन होगा, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा, चक्का जाम करेंगे किसान, भूख हड़ताल करेंगे किसान, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, इस आंदोलन को उग्र किया जाएगा।